रेस्टलाइज होम्योपैथी की तरफ से मैं डॉक्टर श्यामल किशोर आज एक स्वर्ण केस प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये केस है 45 वर्षीय महिला रोगी को। रोगी ने आते ही कहा कि 15 साल से मेरी दवा चल रही है लेकिन फायदा नहीं हो रहा है, रोज की 10 गोलियां ले रही हूँ फिर भी सर दर्द रहता है, थायराइड की तकलीफ है, बीपी है, प्रेगनेंसी के समय से शुगर हो गया, तब से लेकर अभी तक दवा चल रही है। दवा खा खा कर मेरा वजन 20 किलो बढ़ गया है, पैरों में सूजन है, आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी चल रही है, चेहरे पर भी सूजन है, छाती में फड़फड़ाहट होती है, बेचैनी रहती है, पैर में दर्द करते रहता है। मैंने पूछा, और रोगी, डॉक्टर साहब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कितना कहूँ? मैंने कहा बताइए। रोगी ने कहा यहाँ कमर में, जैसे बताते वक्त रोगी ने कहा यहाँ कमर में, हाथ में, कंधे में, पैर में, यहाँ वहाँ हर जगह दर्द है। पहले मासिक में तकलीफ रहती थी तो ऑपरेशन करवा दिया, यूटरस बाहर करवा दिया, ब्रेस्ट में पेन होता है, छू नहीं पाती हूँ, चलने में श्वास चढ़ता है। मैंने पूछा, और रोगी पेट में भी तकलीफ होती है, दर्द करते रहता है। मैंने कहा, और रोगी चेहरे पर इस तरह के दाग आ गए हैं। उसने बताया कि चेहरे पर इस तरह के दाग आ गए हैं, देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, जबकि सभी महिलाएं कहती हैं कि आप बहुत सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, और आप तो बहुत लंबी हैं, और मैं हूँ भी लंबी, आप देख रहे हैं 5.6 इंच की मेरी हाइट है, महिलाओं के लिए तो बहुत ज़्यादा है। मैं कहीं भी बैठती हूँ तो पीछे की महिलाएं कहती है मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पीछे बैठ जाइए, इसलिए मुझे लगता है भगवान ने मेरी इतनी हाइट क्यों दे दी, मैं इतनी अच्छी हूँ, पर मुझे आत्मविश्वास नहीं रहता है, मुझे लगता है कि दूसरे लोग ज़्यादा अच्छे हैं, मैं अच्छी नहीं हूँ। मैंने कहा या पूछा, और रोगी ने कहा डॉक्टर साहब मुझे गुस्सा भी बहुत आता है, घर में कोई कुछ कह देता है तो बहुत तेज गुस्सा आता है, फिर गुस्से में मैं यह नहीं देखती हूँ कि कौन क्या कह रहा है और कौन कह रहा है, छोटे बड़े किसी को भी कुछ भी बोल देती हूँ, कुछ भी कह देती हूँ, यहाँ तक कि गुस्से में सामान फेंक देती हूँ, तोड़ देती हूँ, किसी को मार भी देती हूँ। मैंने पूछा गुस्सा क्यों आता है आपको? रोगी ने कहा कोई भी अगर मेरे सामने पुरानी बात कह दिया जो कि अच्छे नहीं हैं, या कोई ऐसी खराब बातें बोल देते हैं तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने कहा कि आपको कौन कौन सी बातें अच्छी नहीं लगती है? रोगी ने कहा मुझे कोई भी गलत चीज बर्दाश्त नहीं होता है, जैसे कि किसी की निंदा हो गई, कोई पुरानी गलत बातें हो गई जो कि अच्छी नहीं है, खराब पुरानी कोई भी घटना, या किसी के लेकर के वाद विवाद हुआ है, कोई भी पुरानी अनहोनी बुरी घटनाएं, किसी के साथ गलत हुआ है, उस सब चर्चा करने का क्या मतलब? जो बात बीत गई है पुरानी जो ठीक नहीं है, उस विषय में न तो मुझे सुनना न उस विषय में बात करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता। मैंने पूछा क्यों, ऐसी कोई बात हुई है क्या, भूतकाल में ऐसी कोई घटना घटी है क्या जिसके बाद से ऐसा हुआ है? रोगी ने चिढ़ते हुए कहा आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं, मैं अभी बताई ना कि पुरानी बातें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने कहा सॉरी मैडम अब नहीं पूछूंगा, अब बताइए नींद कैसी है और सपने क्या आते? रोगी ने कहा नींद में बहुत डरावने सपने देखती हूँ, जैसे कि कोई पीछा कर रहा है, मैं छुप रही हूँ, कोई जबरदस्ती करने के लिए पीछा कर रहा है, मैं भाग रही हूँ लेकिन भाग नहीं पाती हूँ। मैंने पूछा और? रोगी ने कहा मैंने सुना है कि आप हर चीज की दवा देते हैं, क्या मेरे चेहरे की दवा देंगे? तो जरूर दीजिए, क्योंकि ये काला काला दाग, ये दाग हो गए हैं, अच्छे नहीं लगते हैं, बाकी सब चीज की दवा दीजिए ही, लेकिन ये दाग की भी दवा दे दीजिए, इसके अलावा दर्द की, थायराइड की, कमर की, कंधे की, ये सब जो दर्द है यहाँ वहाँ सब चीज़ की दवा दीजिए, और पेट की भी।
मैंने कहा कि आपको और क्या चीज अच्छा नहीं लगता है? रोगी ने कहा कि मुझे ये सब दर्द बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। किसी की भी परेशानी हो और मेरी भी परेशानी कितनी है, मुझे कोई भी परेशानी अच्छी नहीं लगती, या कोई कुछ गलत कह देता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि दवाइयाँ भी मुझे अच्छी नहीं लगती, इतने दिन से ले रही हूँ फिर भी दर्द से परेशान हूँ, लेकिन क्या करें, बीमारी है तो लेना पड़ेगा। शुगर भी है, थायराइड भी है, दर्द भी है, और इस चेहरे की भी तरह तरह की दवाइयाँ ले रही हूँ, बीपी की दवाइयाँ भी चल रही है। मैंने कहा चिंता नहीं, अभी मैं दवा दे रहा हूँ, सब ठीक हो जाएगा। और रोगी के इन्हीं अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को 200 पोटेंसी में दवा दिया, और दवा के बाद से रोगी में आराम होना शुरू हो गया। बाद में कुछ तकलीफें रह गई थी तो मैंने 1000 पोटेंसी में दवाइयां दिया, जिससे उसकी तकलीफ पूरी तरह से ठीक हो गई। अब यहाँ रोगी के इन्हीं अभिव्यक्तियों को हमें रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके, रिपोर्टाइजेशन करके दवा का चुनाव करना है। ये केस मैंने जो आपको पढ़ के सुनाया, और आगे जो मैं आपको रूब्रिक्स बताऊंगा वो सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। अब यहाँ पर रोगी ने क्या कहा, ये बीमारी मुझे पीछा नहीं छोड़ रही है, मैं दवा ले रही हूँ कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो जब रोगी फायदे नफे की बात करे, फायदे नुकसान की बात करे, बिजनेस हुआ ना ये लेन देन, दवा ले रही हूँ फायदा नहीं हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं बिजनेस टॉक्स, यानी रोगी बीमारी की अवस्था में बिजनेस की बातें कर रही है। रोगी मान रही है कि ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है। डिलूजन बीइंग परस्यूड, परस्यूड का मतलब क्या हुआ कि कोई पीछा कर रहा है, जैसे बीमारी पीछा कर रही है हमको खत्म करने के लिए, हमको परेशान करने के लिए, ये जा नहीं रही है, हट नहीं रही है, मैं 15 साल से दवाइयां ले रही हूं। रोगी ने तकलीफ के बारे में बताया कि मुझे ये तकलीफ भी है, वो तकलीफ भी है, बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत परेशानी होती है, उसके लिए हमारे पास एक रूबरिक है एक्स्ट्रा वेजेंस। एक्स्ट्रा वेजेंस का मतलब होता है बहुत ज्यादा खर्च करना, जैसे बहुत ज्यादा बोली खर्च करना, बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना, या बहुत ज्यादा परेशानी बताना, कोई भी चीज बहुत बहुत बहुत, ये एक्स्ट्रा वेजेंस है। और जैसे ने कहा, डॉक्टर साहब मुझे एक बीमारी हो तो कहूं, सब बीमारी है, मुझे ये भी है, मुझे वो भी है, यानी रोगी ऐसा महसूस करती है कि उसे सब तकलीफ है। डिलूजन दैट ही हैज एवरी डिजीज, उसे लगता है कि उसे हर बीमारी है, और रोगी को बहुत तेज गुस्सा आता है, कोई ऐसी बातें बोल देता है जो उसको चुभ जाती है, तो रोगी को बहुत तेज गुस्सा आता है, मतलब रेज रिन्यूड बाई टच। टच क्या है, वैसी बातें जो रोगी को अच्छा नहीं लगता है, जो सेंसेटिव पार्ट है, जो संवेदनशील भाग है, या जो रोगी जिसके प्रति संवेदनशील है, जो बातें उसको चुभती है, लगती है, ऐसे बातें कह देने से या छू दिए जाने से रोगी बहुत उग्र गुस्सा करता है, उसके लिए हमारे पास रूब्रिक है रेज। नॉर्मल गुस्सा के लिए एंगर होता है, लेकिन रेज में आदमी आपे से बाहर हो जाता है और तेज गुस्सा करता है जब कोई ऐसी बातें बोल देता है, फिर वो नहीं देखता है कि कौन मेरा रिलेटिव है, कौन मेरा छोटा है, कौन बड़ा है, वो किसी के सामने भी बहुत भयंकर हो जाती है। रोगी ने कहा कि मुझे नकारात्मक बातें पसंद नहीं है, कोई दुख की बातें हुआ, कोई ऐसी घटना जो भूतकाल में घट चुकी है, जो सुखद नहीं है, हॉस्पिटल, दवा, बीमारी, सुख दुख, दुख की बातें खास करके, ऐसी नेगेटिव बातें मुझे पसंद नहीं है, उसके लिए एक रूब्रिक है ब्लैक एंड सोम्बर एवर्जन टू एवरीथिंग। इसको हम पढ़ेंगे ब्लैक एंड सोम्बर एवरीथिंग एवर्जन टू, जो भी नेगेटिव चीजें हैं, काली चीजें हैं, नकारात्मक चीजें हैं, बात, कहानी, घटना मुझे पसंद नहीं है। रोगी किसी भी चीज का ब्लैक इमेजेस देखती है, जैसे रोगी का मानना है कि ये ब्लैक मतलब क्या, नकारात्मक या कोई ऐसी निगेटिव चीज है,
रोगी को दिखाई देती है, खास करके बीमारी को लेकर के। रोगी ने कहा कि मैं बहुत सुंदर हूं, सभी महिलाएं भी बोलती है, लेकिन मुझे ऐसी दवा दीजिए कि ये चेहरे का दाग भी खत्म हो जाए। डिलीजन ब्यूटीफुल एंड वांट्स टू बी मोर ब्यूटीफुल। रोगी ने एक बात कही कि मैं बहुत लंबी हूं, संजोग से इसके लिए भी रूबरिक है। यानी रोगी की हर अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास रिपर्टरी में रूब्रिक्स तो होते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमें रोगी के हर लाइन को रूब्रिक्स बनाना है। रोगी के मुख अभिव्यक्तियों या जो रोगी परमानेंटली कहता है, गंभीरता से कहता है, या जो बार बार कहता है, हमें उसी का रूब्रिक्स बनाना है। हर लाइन की रूब्रिक्स बनाएंगे तो हम किसी एक दवा तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो रोगी ने कहा कि मेरी हाइट इतनी अच्छी है, मैं इतनी सुंदर हूं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छी नहीं हूं, दूसरी अच्छी है। मतलब आत्मविश्वास कम रहता है, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और इन्हीं सभी अभिव्यक्तियों के आधार पर मैंने रोगी को अस्ट्रमोनियम दिया। एक अस्ट्रमोनियम में ऐसा गेस्टस मैं आपको बताता हूं जो आप गेस्टस के आधार पर भी दवा का चुनाव कर सकते हैं। जैसे कई रोगी कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे दाग है, ये देखिए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। एक रूब्रिक है माइंड चैप्टर में, गेस्टस पॉइंटिंग विथ फिंगर्स, यानी रोगी बीमारी वाली जगह को ऐसे पॉइंट करके बताएगा, डॉक्टर साहब यहां पर दर्द है, यहां दर्द है। गेस्टस मेक्स पॉइंटिंग विथ फिंगर्स, यानी ऐसी अनुभूति करता है। तो इस केस में भी रोगी बता रही है, डॉक्टर साहब देखिए ये दाग है। एक और विशेषता है इस दवा में, जो खास करके रोगी हमारे पास आता है, बहुत सारी तकलीफें होती है या दो चार भी तकलीफें होती है, रोगी क्या कहता है, डॉक्टर साहब देखिए यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। यानी तकलीफ वाली जगह को जल्दी जल्दी में, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। हमारे पास एक रूब्रिक है, गेस्टर्स मैक्स हरीडली, मतलब हाउ हाउ जल्दी जल्दी, गेस्टर्स मैक्स क्विकली, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ऐसे फटाफट रोगी बहुत सारे कंप्लेन बता दे। और बहुत सारा कंप्लेन बताए, डॉक्टर साहब मुझे तो हर बीमारी है, डिलूजन एवरी डिजीज ही है। और इन सभी में जो दवा है एस्ट्रोमोनियम, तकलीफ चाहे कुछ भी हो, दवा वर्क करती है जब हम रोगी के मुख्य अभिव्यक्तियों को रूब्रिक्स में कन्वर्ट करके, रिपीटेशन करके जब दवा का चुनाव करते हैं। इस तरह की बहुत सारे केसेस हमारे 6 से अधिक पुस्तकें जो कि पब्लिश हो चुकी है, हर जगह अवेलेबल है, अमेजोन पर, फ्लिपकार्ट पर, या मेरे नंबर पर भी आप व्हाट्सअप करेंगे तो मैं भेज देता हूँ। तो इन बुक्स के माध्यम से मैंने बहुत सारे रूब्रिक्स को एक्सप्लेन किया है, और मेडिसिन के अलग अलग फेसेट्स जो कि अलग अलग स्टेट्स की चर्चा मैंने बुक्स के माध्यम से, एक पुस्तक है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि ये बहुत पुरानी पुस्तक है जिसका 6ठा एडिशन मतलब पब्लिश हो चुका है, 6ठे एडिशन। ये काफी पॉपुलर बुक रही है, होम्योपैथिक व्यक्तित्व। इसके अलावा भी बहुत सारे पुस्तकें हैं, जैसे अभी एक पुस्तक हमने निकाली है, होम्योपैथिक रिपर्टरी विज्ञान और कला, मतलब कला और विज्ञान, मतलब ये होम्योपैथी के सब चीज, जैसे कि दवा का चुनाव, पोटेंसी का चुनाव, केस टेकिंग के तलग तक तरीके, यानी बहुत सारे टेक्निक्स जो कि होम्योपैथी का अभिव्यक्ति, होम्योपैथिक दवा चुनाव, इसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं सभी को हमने विस्तार से चर्चा किया है। होम्योपैथिक रिपर्टरी विज्ञान और कला, ये काफी मोस्ट पॉपुलर बेस्ट सेलर बुक्स तक साबित हुई है, जिसको बहुत से लोगों ने, ये तो हिंदी में है, इसके अलावा भी हमारे पास इंग्लिश में भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे ये प्रैक्टिकल अप्लीकेशन ऑफ रिपर्टरी, होम्योपैथिक आर्ट एंड साइंस ऑफ होम्योपैथी, माइंड रूब्रिक्स अभिव्यक्ति, यानी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन हर पुस्तक में एक विशेषता है, कुछ नया
नए रूब्रिक्स, नए केसेस, इंग्लिश या हिंदी में भी कोई केस का कॉपी नहीं है। हर बुक में नए नए सॉल्व केसेस हैं जो कि हमने पहले किसी बुक में नहीं लिखे हैं। तो इस तरह से आप हमसे जुड़े रह सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू।